मामूली विवाद में अपराधी किस्म के लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की है। इतना ही नहीं, पीड़ित को जान से मारने की धमकी भी मिली है। घटना की जानकारी पीड़ित ने थाने में दर्ज करा दी है। घटना चुरहटा थाना क्षेत्र के बहुरी बांध का बताई जाती है। पीड़ित राजेश्वर तिवारी ने बताया कि उसके घर के सामने उसकी गाय बंधी हुई थी, जिससे उसके पड़ोसी रज्जन उर्फ रणजीत तिवारी के द्वारा खोल दिया गया था। जब उसने विरोध किया तो पत्थर उठाकर मारने के लिए दौड़ा तो अपनी जान बचाने के लिए भागा और घर के अंदर घुस गया, जिसके बाद उसने पत्थर उठाकर दरवाजे को तोड़ दिया और उसके अन्य साथी भी पहुंच गए, जिनके द्वारा घर में घुसकर मारपीट की गई है। पीड़ित ने कठोर कार्यवाही की मांग की है। हम राजेश्वर प्रसाद तिवारी, गांव बहुरी बांध है। क्या घटना हुई आज? आज घटना हुई, गाय पाछे वाले गेट के बगल में गाय बांधी रहा है हमारी, तो गैया रज्जन प्रसाद हमारा छोरत रहा है। हम भजन दादू ये काहे तू छोड़ता है, तो दाई महतारी कह के दौड़ पड़े, पथरा उबाइन भाग के भीतर घुसैन, भीतर घुस के सल गए उनका लड़का पद्मान मनोज सचिन और वो धनपत, ये सल गए दौड़ पड़े। और जब भीतर हम घुसैन तो भीतर में लात मार के होगा कि हमारा कमरे फार के भीतर गए, तो पद्मान और मनोज हमें घूचा और लात मारना चालू किए। इतने में हम गुहार मारन तो गांव के आदमी बहुत आदमी आए गए, एक के बाद बीच बचाव की जगदीश तिवारी और गायत्री देवी एक के बाद निकले और कहीं कि बाप के हमारे तेरे बरखी है आ बरखी बाद तय घर से पेंठे से निकल जावे, हम निकाल देव अनित का जान से खत्म कर देव। हम फिर के बाद बताओ दो दिन बाद या होए के बाद हम तो दुनिया में रह दे तोर, हम बरखी ते रही तोर करब आ हम ही करब तोर बरखी ते रही। हाँ एफ आई आर हो गया, कराएन है, ये बहुत अपराधी प्रगति के आदमी है। इनका हमका लागत की हर महीना कहा मकाओ रिपोर्ट सिपोर्ट होती रहती, एक बे से हमारे बालक के साथ किए किन साहब, अब का बताई हम तो उनसे जीना हमका आराम है, लड़का बच्चा हमारे सब बाहर टारे हैं, अब जो उन भाई भतीजे सब फैले फैले घर द्वार है, वो सरंग पार्टी के आदमी है साहब, वो पांच छह भाई अकेले आदमी हम हैं, तो साहब शाम सवेरे पहुँचन तो जीना आराम है, रात में कहा पथरा मरी है साहब, कहा हो तो गाड़ी घोड़न के रिंज पाना है काट बोझा रहा हो गा उठा लेंगे, कहा नुकसान करी है, अब देखी थे बोली थे तो जान से खत्म कर दे। हाँ हाँ साहब, 452 के मुकदमा इनके ऊपर कौठे कायम है, 110 के मुकदमा गलाय कायम है, जब से इनका बाउंड समाप्त होगा तो फिर से जीना ही साहब हराम कहे, हम ही जीना हराम कहे साहब। बचो लड़का हमका धमकी दी नहीं कि हम तो का जान से खत्म कर दे, और कुछ बात होता है हमारे अंदर इतनी भय घुस गया है कि हमका कुछ बात होता है तो महावीर के पांचों लड़कन के क्या दोषी माना जाए। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए, रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।